नाजरीन आदाब, रेख्ता डॉट ओ आर जी पर आज हमारी मेहमान हैं फहमीदा रियाज साहिबा, जो उर्दू अदब की मशहूर और मारूफ शायरा हैं। आज हम उर्दू अदब की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। फहमीदा रियाज साहिबा, आपका खैर मकदम है रेख्ता डॉट ओ आर जी पर। मैम, आप नज़मिया शायरी का इस वक्त का बहुत बड़ा नाम है। मर्दों की इस बालादस्ती वाली दुनिया में जब आपने अपने सफ़र की इब्तदा की थी, शुरुआत की थी, और अब ये ज़माना आ गया है, एक लंबा अरसा है, एक लंबा वक्त है, तो आप जब आपने शुरुआत की थी और अब एक ज़माना उसमें गुजर गया है बहुत सालों, तो आप कुछ उसमें फ़र्क महसूस करती हैं कि अब उस ज़माने में जब आपने शायरी की शुरुआत की थी और अब जो ये ज़माना है, इसमें कुछ फ़र्क है? बहुत बड़ा फ़र्क है और बड़ी खुशाइंद बातें हुई हैं और बहुत सारी नई लिखने वालियाँ पैदा हुई हैं जो कि शायरी में अपना इजहार कर रही हैं। बल्कि मैं तो ये देखकर बहुत खुश थी कि हिंदुस्तान की में जो उर्दू में लिखने वाले हैं उनमें उर्दू में लिखने वालियाँ अब यहाँ पर हमें बड़ी अच्छी नज़र आने लगी हैं और उम्दा लिख रही हैं, क्योंकि बीच में एक बड़ा सा खला पैदा हुआ था हिंदुस्तान में, यहाँ से लोगों के वहाँ चले जाने के बायस जो कि मुतवस्सत तबका होता है उसी में से अदीब निकलते हैं। लेकिन अब न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बड़ी अच्छी अच्छी लिखने वालियाँ पैदा हुई हैं, तो इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है और उनकी कहीं ज़्यादा मतलब कबूलियत उनको मिल रही है। जब मैंने पहली तो नहीं किताब मेरी पत्थर की ज़बान तो पसंद की गई थी बहुत, लेकिन बदन दरीदा पर जो शोर वगोहा मचा था और जिस तरह से उसको बिल्कुल गलत समझा गया था वो अब नहीं रहा है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन जब आपने शुरुआत की होगी तो तब का ज़माना तो बहुत मुश्किल रहा होगा, और ख़ासतौर से एक लड़की या एक औरत शायरी कर रही है तो उस ज़माने में तो बहुत मुश्किलें आपको पेश आई होंगी। देखिए, ये जो मेरी पहली किताब थी ना पत्थर की ज़बान, जो कि वो नज़में थी जो फनून में छपती रहीं कुछ बरस तक, और ये 1967 में इसका पहला मेरा मजमू शाया हुआ था, तो वो ज़्यादातर इस तरह की थी जिसको कि कहना चाहिए कि एक नौजवान कॉलेज की लड़की के दिल में जो जज्बात हो सकते हैं ज़्यादातर वही थे, और उनको बल्कि हैरत अंगेज़ तौर पर बहुत पसंद किया गया और ये कहा गया कि ये देखिए पहली मरतबा उर्दू के अंदर जो है वो एक लड़की अपनी ही आवाज़ में बोल रही है। और हालांकि ये बात इतना सच नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैं तो समझती हूँ कि जो फोक सॉन्ग्स हैं, जो हमारी लोक गीत हैं, उनमें से काफ़ी हिस्सा औरतों का अपना तख्लीक किया हुआ है, तो लेकिन ये कि जो बाकायदा किस्म की ज़बान में होती हैं शहरी जैसे उर्दू थी, उसमें नसर में तो बहुत थी, जैसे कि असमत चुगताई जैसी एक देवकामत शख्सियत हमारे पीछे खड़ी थी, और डॉक्टर रशीद जहाँ थी, और दूसरी भी थी कुरतुलैन हैदर, मगर वो बहैसियत एक बेबाक राइटर के नहीं उनकी पहचान नहीं, उनकी शनाख्त ये नहीं थी, लेकिन असमत की तो थी जी, और डॉक्टर रशीद जहाँ की भी थी। लेकिन जहाँ तक शायरी है तो उसमें औरतों ने नहीं लिखा था, और इसको तो बस यानी कि तबके जिसे कहना चाहिए कि जो कि प्रोफेशनल्स थी नाचने और गाने से, रक्स सुरूद से एसोसिएटेड जो थी ख़वातीन, उन तक ही महदूद था ये। तो मिडिल क्लास की पहली दफ़ा जो थी तो मुझसे पहले वैसे तो किशोर नाहिद लिख रही थी, जहरा निगाह थी किशोर नाहिद थी, लेकिन परवीन शाकिर तो हम हमारे बहुत बाद में आए। अच्छा जी, और उन्होंने बिल्कुल मेरी तो नज़्मों को जो कतु नकल किया है अपनी शायरी में। अच्छा। जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, और ये तो एक तरह का खराज तहसीन देना होता है किसी को अगर आप उसको नकल करें, लेकिन मैं तो आपको उनको पढ़ के बता सकती हूँ
कि ये मेरी कौन सी नज्म के कंटिन्यूएशन में ये लिखी गई थी। ठीक है, तो ये जो थी इसमें दिलचस्प मैं बात बताऊँ, मैं आ गई थी हिंदुस्तान 7 साल के लिए। जी। तो उस बीच में पाकिस्तानी उस वक्त ज़ियाउल्लाह की उन्होंने तो हमें तकरीबन बैन ही कर दिया था। से करना यार रुकना उसको। फिर उसके बाद मेरा पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। तो जब मेरा पासपोर्ट खुला और मैं बाहर गई, अमेरिका गई पहली मरतबा, तो वहाँ पर एक मेरे नज़मों का प्रोग्राम किया जा रहा था। तो एक लड़की ने मुझसे कहा कि देखिए मैं आपको एक अजीब बात बताऊँ। मैंने क्या, कहने लगी कि जब हमने पत्थर की ज़बान पढ़ी तो बिल्कुल ऐसा लगा कि ये तो पहले में हम पढ़ चुके हैं, तो ये तो सब पन्नी चैकिल लिख चुकी है। अब इस पर मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा बीबी बात सुनो, ये तो बहुत पहले लिखी गई थी, तो परवीन शाकिर की तो किताब बाद में आई है। तो उन्होंने उसको कह के अच्छा, तो उनको इस बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ। परवीन शाकिर की बात हो रही है, मैम तो एक सवाल ये है कि तानिसी अदब में जी क्या वजह है मैम कि जो शोहरत परवीन शाकिर के हिस्से में आई वो बहुत कम लोगों को नसीब हुई? नहीं तो ऐसी बात है, बड़ी अच्छी शायरी थी इस वजह से, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने नज़में भी लिखी, गज़लें भी लिखी, और इसके ये वजह थी ज़बरदस्त सलाहियतों की मालिक थी वो, इस वजह से उसको इतनी शोहरत मिली। क्योंकि वो और बहुत ज़्यादा उसने लिखा, मतलब जैसे कि उसकी आउटपुट जो थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, तो वो बिल्कुल बिल्कुल उसकी मुस्तैद थी। अलबत्ता वो जिसको कि फेमिनिज्म कहते हैं या औरतों की अपने औरत हो बहसियत इंसान होने की का शऊर, वो तो उसमें बिल्कुल भी नहीं था किसी किस्म, बल्कि लोग यही कहते हैं और बिल्कुल सही उसके ऊपर कहा थे कि वो ऐसी नज़में लिखते थे जो मर्दों को खुश करें, मगर ऐसी कोई बात कभी नहीं लिखते थे जिससे कि ये मर्दाना समाज ना खुश भी हो सके किसी तरह। बल्कि उसने एक दफ़ा जब मेरी बदन दरीदा छपी और उसने पढ़ी तो उसने एक नज़म मुझ पर भी लिखी थी कि ये तो डिसोन करती हैं अपनी पुरानी चीज़ों को और क्या मैं ऐसा कर सकूँगी, और वो सोचती थी कि ये बड़ी करख्त कस्म की बातें कह रही हैं, ऐसे तो नहीं कहते। यानी वो इस तरह की उसकी उसका जो रुझान था तबीयत का वो ये था कि औरतें जो हैं वो अपने नाज़ो अदा के ज़रिए और नाज बर्दारियाँ करा के जीती रही। तो ये सब चीज़ें उसकी झलक उनकी शायरी में भी कुछ कुछ मिलती है। बिल्कुल, हमको तो मिलती है और किसी को मिले या न मिले, तो वो बहुत अच्छी शायर थी लेकिन वो फेमिनिस्ट वगैरह नहीं थी। और समाज अच्छा शायर होने के लिए फेमिनिस्ट होना तो जरूरी भी नहीं। बिल्कुल जरूरी नहीं। मैम आपने अपने तख्लीकी इजहार के लिए नज्म को ही क्यों इसका जरिया बनाया, गज़लें भी कह सकती थी या कुछ और? लेकिन अब देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो गज़ल है अगर आप समझें कि हर सिनफ़े सुखन असनाफ़े सुखन का किसी तारीखी दौर से कोई ताल्लुक होता है, तो आप देखिएगा कि ये जो एक सफ़र है इन पाबंदियों से इन पाबंदियों के ख़त्म होने की तरफ, आपको दुनिया भर में नज़र आता है। खुद मगरिब में तो पहले तो मीटर्स में लिखे जाते थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से वो मीटर्स जो हैं वो तोड़े गए और उन्होंने अब दूसरे तरीके से लिखना शुरू किया। ये तो सिर्फ मसला ये है कि हिंदुस्तानी तहजीब या हमारी मशरकी तहजीब जो है, हमारी एक अपनी तहजीब है और उस तहजीब अदब उसी में पनपता भी है उस तहजीब के ज़रिए साया, तो मगरिब की नक्काली कहाँ तक? बात यह कि ये बात नक्काली की वजह से तो नहीं हुई, मगरिब ने किसकी नक्काली की थी? गालिबन मगरिब ने मशरक की नक्काली की थी। जहाँ तक तहजीब का ताल्लुक है तो वो हमेशा एक जरा से दूसरे जरा जलता है और तहजीबें जो हैं वो एक दूसरे के साथ पर असरअंदाज होती रहती हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से उनका मिलना जुलना हो। लिहाजा ये मगरिब की नक्काली की बात नहीं थी, मगर ये कि अपने आप से भी उसको ऐसा ही होना था, क्योंकि अगर उससे आप माजी में जाएं तब भी आप ऐसा तो नहीं देखेंगे ना, वरना तो हम कसीदे से आगे ना बढ़ते, वरना तो जो छंद मात्राओं में जो यहाँ पर संस्कृत विंस्कृत के श्लोक लिखे गए थे उससे कभी आगे बढ़ते नहीं, बढ़ते पर बढ़े।
तो इसलिए क्योंकि हर चीज की फितरत में आगे बढ़ना होता है और तब्दील होना होता है, ये उनकी फितरत में थी। अब ये कि मगरिब में भी ये चीज चल रही थी तो ये असरात तो पड़ रहे थे ना। जी मगरिब ने खुद छोटी कहानी, शॉर्ट स्टोरी, मुख्तसर अफसाना कहाँ से लिया? बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो सारे के सारे, और बल्कि उनके ड्रामों की थीम्स तक जो है वो तो अरबी से, और अरबी से स्पेनिश में जो तर्जुमा हुई थी, और वहां स्पेनिश से जो हाँ है आहिस्ता आहिस्ता से फिर फ्रांस में आई, और उसके बाद फिर इंग्लैंड तक पहुंची। तो इसी तरीके से शॉर्ट स्टोरी या नॉवल फॉर दैट मैटर, इसी तरह से जबकि यहाँ पर तक लोगों तक पहुंची, तो ये एक ऐसी फॉर्म थी, एक ऐसी सिंफ बनी जो कि वक्त के साथ जो है चल सकती थी, ठीक है ना? वरना नक्काली का क्या मतलब, यानी हर चीज ही आप समझ रहे हैं कि ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये जो है आप कह सकते हैं कि ये मगरिब की नकल है, और कहते भी हैं लोग, तो ये झूठ जी है। क्योंकि एक अच्छा सा नजर जब आ रहा था फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो उसको लोगों ने अपना लिया, और वो यहाँ पर उसने काफी हद तक 67 बरस तक तो ठीक ठाक ही काम जी किया, है ना? तो हर चीज के लिए आप ये कह सकते हैं, लेकिन तहजीबों के एक दूसरे से टकराव नहीं होता है, बल्कि तहजीबें एक दूसरे में जज्ब होकर और उसको आगे बढ़ाती एक हैं। खुद दूसरे आप में हिंदुस्तान की तहजीब देखिए, तो जब यहाँ पर तुर्क और तुर्किक और इस तरह के कबाइल आना शुरू हुए, तो नतीजा क्या हुआ? जब कोई बहुत बुरा नहीं निकला, अच्छा निकला, जो यहाँ की तहजीब थी वो ये दो नए धारे मिले, बस और थोड़ा सा वो फर्क मैम ये है कि वो तो यहाँ आए ना और जी दो तहजीबें आपस में मिली, जी तो लेकिन ये अंग्रेज भी आए थे, अंग्रेज जी भी आए थे, ऐसा नहीं कि वो आए ही नहीं थे, लेकिन अगर वो ना भी आते तब भी ये चीज जो है वो किताबों के जरिए उन तक पहुंच जी बिल्कुल जाती। और देखिए अरब और यूरोप का भी एक बाहमी, जैसे कहना चाहिए ना, फिजिकल, जैसे कहते हकीकी जिंदगी में भी एक मिलाप सा हुआ था, मुख्तलिफ सलीबी और हलाली जंगें और ये वो, और रिपोर्ट्स के साथ साथ तजारत भी थी, तो इन दो ये सब चीजें हैं। लिहाजा ये कहना कि मगरिब की आप नकल की, मैं मगर बात गजल की कर रही थी। देखिए एक जमाने में एक थ्योरी थी कि जबान जो है वो अलौही है, यानी कि अल्लाह ताला ने या जो भी मालिक कायनात है उसने नाजिल कर दी पूरी पूरी, ठीक है? और जबान अपने आप मतलब भी पैदा कर देगी, जी ठीक है ना? और उसी वक्त एक और भी था, ये कोई नया नहीं है ख्याल, कदीम तरीन ख्याल ये रहा है कि ऐसा नहीं है, जबान इंसान ने बनाई, और जबान के अल्फाज जो हैं और मायने के इजहार के लिए उसने बनाए, ठीक है ना? तो यानी कि यहाँ पे मायने को वो सुप्रीमेसी देते हैं, मायने कुछ कह रहे हैं, जबकि एक ये था कि जी नहीं, अल्फाज जो है वो खुद मायने, उसको आप लोग मायने आफरीनी के नाम से जानते थे, अल्फाज इस तरह इस्तेमाल हुए कि वो मायने वजूद में आए जो पहले थे ही नहीं, जी है ना? अच्छा, तो ये इस तरीके से था। बुनियादी तौर पर मैं इस मदरसा फिक्र पर यकीन रखती हूँ कि अल्फाज जो है ना वो मानी के इजहार के लिए, तो इसलिए क्योंकि लिहाजा ये रदीफ़ व काफिया जो है, जो मुझे ऐसा लगने लगा एक अरसे के बाद। अच्छा, इस चीज़ में जब जब तक तसव्वुफ एक बड़ी मजबूत लहर थी शायरी में, है ना, यानी कि जो कि सूफीज्म है, उस वक्त तक गजल जो है तसव्वुफ में, तसव्वुफ को गजल आगे बढ़ा रहे थे, और गजल को तसव्वुफ जो है वो अपने रंग में रंग रहा था। ये फारसी में भी ऐसे हुआ, और यही आप देखते हैं उर्दू। नाज़रीन, ये थी फहमिदा रियाज़ साहिबा, जिनके ख्याल आपने सुने। उम्मीद है आपके जहन में कुछ सवाल उभरे होंगे इसके बाद, और उसके जवाब भी आप फहमिदा रियाज़ के इंटरव्यू में या फहमिदा रियाज़ की तहरीरों में आप देख सकते हैं। फहमिदा रियाज़ साहिबा, आप रेख्ता तशरीफ़ लाएं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।